तो दोस्तों मैं आपको इस खूबसूरत गार्डन के चारों तरफ का व्यू इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आज की हमारी जो प्रॉपर्टी है वो इसी गार्डन की तरफ फेसिंग करती है। हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आशीष सिंह एक बार फिर से वास्तु विकल्प के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। और आज हम देखने आए हैं 1050 स्क्वायर फीट पे 1600 स्क्वायर फीट बिल्टअप 3 BHK वेस्ट और गार्डन फेसिंग का डुप्लेक्स कोलार रोड की लोकेशन पे। ये है हमारे डुप्लेक्स का फ्रंट से एलिवेशन और मंदिर की घंटी की आवाज से आपको ये भी समझ आ गया होगा कि गार्डन फेसिंग के साथ साथ मंदिर भी पास में ही है। वेस्ट फेसिंग का डुप्लेक्स है, अंदर एंटर करते ही आपको एल शेप में पार्किंग मिलती है, 2-व्हीलर + 4-व्हीलर आप आराम से खड़ी कर सकते हैं, सफिशियंट पार्किंग स्पेस है। और मैं आपको बता रहा था कवर्ड कैंपस है, मंदिर है, सामने गार्डन दिख रहा है आपको, वेल सिक्योर्ड कैंपस है। कोलार 6 लेन रोड जो अभी बन रहा है उसी के बहुत ही पास में है, तो अच्छी लोकेशन है डुप्लेक्स। अब हम अंदर से देखते हैं, बाहर से हमने काफी देख लिया है ये, अब हम चलते हैं मेन गेट से अंदर और डुप्लेक्स के अंदर का थोड़ा सा जायजा ले लेते हैं। तो दोस्तों अंदर चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये रीसेल का डुप्लेक्स है और काफी टाइम से बंद पड़ा है, करीब 3-4 महीने से, तो साफ सफाई की इसमें जरूरत है। ये आपका ड्राइंग एरिया आपको दिख रहा है, सफाई आपको थोड़ी सी करानी पड़ेगी, अभी गंदगी दिख रही है हल्की सी, बाकी डुप्लेक्स मेंटेन्ड है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन भी अच्छा दिख रहा है। यह आपका ड्राइंग एरिया हो गया और अब आपको डाइनिंग का स्पेस दिख रहा है सामने, तो ड्राइंग डाइनिंग आपका एल शेप में होता है प्लस बहुत बड़ा एरिया है। मेरे ख्याल से ड्राइंग और डाइनिंग का लगभग सेम साइज है और दोनों अच्छे बड़े हैं। ये ऊपर स्टेयर्स दिख रही है फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए। फिर से ड्राइंग एरिया दिखा देता हूँ आपको दूसरे एंगल से, सामने विंडो दिख रही है, विंडो से एक बार फिर से आपको बाहर का नजारा दिखा देता हूँ। ये आपकी पार्किंग स्पेस प्लस सामने आपको गार्डन की स्पेस दिख रही है, तो बहुत ही अच्छा एरिया है। डाइनिंग एरिया आप देखिए, ये भी लगभग ड्राइंग एरिया के बराबर है और डाइनिंग एरिया के एकदम सामने दिख रहा है किचन, पर किचन और डाइनिंग को सेपरेट कर दिया है, तो प्राइवेसी के हिसाब से देखा जाए तो ये भी अच्छी चीज है। पूरा मॉड्यूलर किचन बना हुआ है, कैबिनेट शेल्फ सब बने हुए हैं दोनों तरफ, डबल प्लेटफॉर्म है आपका, मेन प्लेटफॉर्म प्लस सर्विस प्लेटफॉर्म, फ्रिज भी रखा हुआ है। ये मुझे एक बार कंफर्म करना पड़ेगा कि फ्रिज भी डुप्लेक्स के साथ है क्या, तो मॉड्यूलर किचन तो अच्छा दिख रहा है। इसमें मेरे ख्याल से आपको काम कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चिमनी वगैरह सब लगी हुई है, कैबिनेट्स भी बने हुए हैं और बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है सब। पीछे का वॉश एरिया देख लेते हैं, वॉशिंग एरिया की स्पेस बहुत अच्छी दी है इसमें, पूरे प्लॉट की जो चौड़ाई है वो यूज की गई है। और साथ में देखिए आप, ओनर ने इसमें वॉल पे आप देखेंगे तो टाइल्स लगवा दिए जिससे कि सीलन वीलन सीपेज की प्रॉब्लम ना आए, ऊपर से भी कवर करवा दिया है पूरा। दोस्तों यदि वास्तु विकल्प चैनल पे पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं अगर आप प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो भोपाल के किस एरिया में कर रहे हैं। और इसी के साथ हम आ गए हैं ग्राउंड फ्लोर के अपने बेडरूम एरिया में, तो यहाँ पर ये हमारे डुप्लेक्स का फर्स्ट बेडरूम है, बेड वगैरह लगे हुए हैं, कबर्ड सेक्शन भी पूरा बना हुआ है, मॉड्यूलर वर्क यानी फर्नीचर वर्क पूरा किया हुआ है इसमें, आप देख सकते हैं। और फर्नीचर वर्क अच्छा किया हुआ, नीचे छोटी सी स्पेस दिख रही है, ये बेसिकली स्टेयर्स के नीचे का स्पेस है जो आप स्टोरेज के हिसाब से यूज कर सकते हैं। घरों में बहुत ऐसा एक्स्ट्रा सामान होता है जिसलिए हमें ये स्पेस की जरूरत पड़ती है। वुडन वर्क अच्छा किया हुआ है, वुडन वर्क में मुझे नहीं लगता आपको कुछ एक्स्ट्रा वर्क कराने की जरूरत पड़ेगी। अटैच लेड बाथ है इसमें, तो लेड बाथ का स्पेस दिखा देता हूँ। इसका जो एग्जॉस्ट का एरिया है वो वॉश एरिया की तरफ ओपन होता है, इसलिए वेंटिलेशन भी बना हुआ है। ये हमारा वॉश एरिया जो मैंने आपको बाहर से दिखाया था, तो बेडरूम की विंडो प्लस बाथरूम का एग्जॉस्ट दोनों वॉश एरिया में ओपन होता है, वेंटिलेशन अच्छा है, सनलाइट अच्छी है। ये पूरा आपका बेडरूम का स्पेस हो गया। अब यहाँ से हम वापस चलेंगे और मेरे ख्याल से अपना ग्राउंड फ्लोर पूरा कवर हो गया। यहाँ एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, यदि चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें प्रॉपर्टी की अपडेट के लिए, और यदि आपके पहचान में परिचित में कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं तो उनके साथ आप मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर कर सकते हैं। हम अब जा रहे हैं फर्स्ट फ्लोर पे स्टेयर्स के रास्ते, ये पूरा आपको मम्मी का पोर्शन भी दिखा देता हूँ मैं। स्टेयर्स थोड़ी सी छोटी और कंजेस्टेड लग रही है इसमें, परंतु जो प्राइस ओनर डिमांड कर रहे हैं उस हिसाब से ठीक है। ये हमारे फर्स्ट फ्लोर का कॉमन लॉबी का स्पेस है, लॉबी का स्पेस हालांकि प्लॉट एरिया के हिसाब से अच्छा निकल आया है, करीब 10x10 का ये आपका लॉबी का स्पेस है। अब हम पीछे का बेडरूम देख लेते हैं, यानी डुप्लेक्स का सेकंड बेडरूम। और बेडरूम में अंदर एंटर करते ही आप नोटिस करेंगे कि फर्नीचर वर्क पूरा किया हुआ है, ड्रेसिंग बेड स्टडी टेबल वार्डरोब सब बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत माइका के साथ बने हुए हैं। ये मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ, एक अच्छे एकदम नए बने हुए हैं, ऐसा नहीं है यूज्ड है ये। और जो माइका लगी है वार्डरोब में, ये आपका यहाँ पर भी वही माइका लगा दिया। आप अगर इस गेट को बंद कर देंगे तो आप देखिए पूरा समझ में भी नहीं आएगा जैसे उस तरफ ड्रेसिंग और बाथरूम का स्पेस है, तो ये अच्छा है। इंटीरियर में तो आजकल इतने ऑप्शन हो गए कि आप अपने हिसाब से जैसा चाहें वैसा बनवा सकते हैं। ये आपका देखिए ड्रेसिंग का स्पेस है, हालांकि वार्डरोब बाहर बनाइए बेडरूम में, इस स्पेस को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। और बाथरूम देखिए, बाथरूम बहुत ही बड़ा
और वेल मेंटेन्ड है। बाथरूम में अगर साफ सफाई रहे ना तो आधी प्रॉपर्टी तो ऐसी ही पसंद आ जाती है। और टाइल्स भी ब्राइट कलर की लगी हैं तो उसके कारण बाथरूम भी खुला खुला लग रहा है, थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो ये आपका बाथरूम हो गया, टब लगा हुआ है पूरा। वापस से चलते हैं बाहर बेडरूम की तरफ। एक बार फिर से इस एंगल से आपको बेडरूम का स्पेस दिखा देता हूँ। फर्नीचर वर्क सारा किया हुआ है नीचे भी और ऊपर भी, यानी दोनों फ्लोर पे। तो अब हम चलते हैं अपने डुप्लेक्स के थर्ड बेडरूम की तरफ। तो दोस्तों, यदि आप भोपाल में प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं या प्रॉपर्टी संबंधित किसी भी प्रकार की आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9981950511। और इसी के साथ आ गए हम डुप्लेक्स के थर्ड बेडरूम में, यानी मास्टर बेडरूम में। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बेड कबर्ड वगैरह सब बने हुए हैं, सब लगा हुआ है फर्नीचर वर्क। यहाँ पे भी मैं आपको कबर्ड एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। यूजेबल कंडीशन में है, वेल मेंटेन्ड है और पूरी फ्लोर टू रूफ की हाइट तक बने हुए हैं। शेल्फ वगैरह सब बने हुए हैं ऊपर। ये देखिए, मैं ओपन कर देता हूँ एक बार आपके लिए। अटैच बाथरूम मिलेगा इसमें। बाथरूम का स्पेस भी एक बार दिखा देता हूँ। ये बाथरूम भी बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। टाइल्स, वॉल टाइल्स वगैरह आप देखेंगे तो ब्राइट कलर की है, अच्छी लग रही है। ओपननेस रहता है इससे बाथरूम में। एक एग्जॉस्ट की स्पेस दिख रही है, सनलाइट वगैरह बनी रहती है। और सनलाइट आने का कारण ये है कि इसके जस्ट बगल में आएगा हमारे फर्स्ट फ्लोर की बालकनी। बालकनी में भी अच्छा स्पेस दिया है बिल्डर ने, और क्योंकि ये गार्डन फेसिंग है तो सामने से भी अच्छा ओपन रहता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, डुप्लेक्स 2-3 महीने से बंद है तो थोड़ा सी धूल जमी हुई है, इसमें साफ सफाई की जरूरत है। बालकनी का एरिया अच्छा बड़ा है, ऊपर से कवर्ड है और सामने गार्डन है, तो यहाँ आप आराम से अपनी सेटिंग बना सकते हैं। एक बार मैं आपको बालकनी प्लस बालकनी के बाहर का पूरा व्यू दिखा देता हूँ स्लो एंगल में। गार्डन फेसिंग यूनिट है, जैसा कि मैंने बताया था, वेस्ट और गार्डन फेसिंग का डुप्लेक्स है। सामने पार्किंग की भी सफिशियंट स्पेस है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। और अब हम यहाँ से चलते हैं वापस और डुप्लेक्स की छत का पोर्शन, टेरेस पोर्शन देख लेते हैं। तो जाने से पहले एक बार फिर से आपको दूसरे एंगल से मास्टर बेडरूम का पूरा व्यू दिखा देता हूँ। और कॉमन लॉबी की जो स्पेस थी, वहां से हमारा स्टेयर्स का पोर्शन है सेकेंड फ्लोर पे जाने के लिए। तो ये हमारा स्टेयर्स पोर्शन आ जाएगा, जैसे ग्राउंड टू फर्स्ट था वैसे ही फर्स्ट टू सेकेंड आएगा। ऊपर ममटी की स्पेस देख लीजिए, और ममटी पोर्शन में अच्छी बड़ी बड़ी विंडो दी हैं बिल्डर ने, जिस कारण यहाँ से भी घर में धूप और रोशनी आती रहती है। ऊपर जैसे ही आप पहुँचेंगे तो सबसे पहले मैं आपको ये गेट दिखा देता हूँ। लोहे का गेट है और इससे सिक्योरिटी मेंटेन रहती है, थोड़ा सा सेफ फील करते हैं, इसलिए ये गेट ओनर ने अपनी तरफ से लगवाया है। छत का पोर्शन में दोनों तरफ से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, बीच में एक कवेलू टाइप भी दिया है आपको, यहाँ पर भी आप अपनी सेटिंग बना सकते हैं। चारों तरफ रहवासी क्षेत्र है, कवर्ड कैंपस का डुप्लेक्स है। कोलार की 6 लेन रोड जो बन रही है अभी, उसके मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर है। तो यदि आप इस प्रॉपर्टी की विजिट करना चाहते हैं तो नीचे मेरा नंबर दिख रहा है इस वक्त स्क्रीन पे, आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। प्रॉपर्टी की आगे आने वाली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपने प्रीमियम मेंबर्स के लिए मैं बहुत ही शानदार प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी लेके आया हूं, तो यदि आप उसमें भी इंटरेस्टेड हैं तो आप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आशीष सिंह आपसे विदा लेता हूं, और इस प्रॉपर्टी की साइट विजिट के लिए आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9981950511। धन्यवाद।